गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक जब हम लोग ऑफलाइन लेक्चर्स में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने आपके सिलेबस के हिसाब से इंट्रोडक्टरी फार्मास्यूटिक्स, डोजेस फॉर्म्स, फार्माकोपिया और बाकी चीज़ों के बारे में जैसे पैकेजिंग मटेरियल, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। ऑलरेडी आपके सेशनल्स में भी मैंने पूछा उनके बारे में। फिर जब से ये ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है तो मैं आप लोगों को साइज़ रिडक्शन, जो आपका थर्ड यूनिट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है, तो वो डिस्कस कर रहा हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे वॉइस लेक्चर बनाने का टाइम नहीं मिल पाया था, दिक्कत आ रही थी। तो मैंने आपको इसके ऑलरेडी नोट्स सेंड कर चुका हूँ, मैं अटैच कर दिया है मैंने गूगल क्लासरूम पे। उम्मीद करता हूँ शायद आप लोगों को मिल भी गए होंगे। तो अब आज मैं क्या है, अभी तक मैंने जितना आपको नोट्स भेजा, जो भेज चुका हूँ ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे, और साथ में इसके आगे जो एड ऑन होने वाले टॉपिक हैं, साइज रिडक्शन जो यूनिट है, इसको आज अपने लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट करने की और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में ये साइज रिडक्शन है क्या और इसका फार्मास्यूटिकल यूजेस कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग तरीके की मशीन्स के बारे में बात करेंगे कि साइज़ रिडक्शन करवाने में कौन कौन सी मशीन्स, और ख़ासकर वो मशीन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में यूज़ होती हैं, कौन कौन सी हैं, और उनका एप्लीकेशन जानेंगे, उनकी वर्किंग जानेंगे, उनका कंस्ट्रक्शन जानेंगे। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको केवल एक ये रिकैप रिकैप कर रहा हूँ अभी तो साइज़ रिडक्शन के बारे में, और जो डिटेल से जानकारी दूंगा वो दूंगा वेरियस इक्विपमेंट या मशीन्स जो साइज़ रिडक्शन में यूज़ की जाती हैं। सो साइज़ रिडक्शन के बारे में आप ज़रा पहली स्लाइड देखिए कि साइज़ रिडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ ए सब्सटेंस टू ए फाइनर स्टेट, ठीक है, टू ए फाइनर स्टेट ऑफ सब डिवीज़न टू स्मॉलर पीसेस, टू कोर्स पार्टिकल और टू पाउडर। साइज रिडक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज कम्युनिकेशन एंड ग्राइंडिंग। वैन द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड्स इज रिड्यूस्ड बाई मकैनिकल मीन्स, इट इज नोन एज मिलिंग। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आमतौर पर बोला जाए तो साइज रिडक्शन होता है जब आप किसी बड़ी पार्टिकल को, किसी बड़े पार्टिकल को तोड़ के क्रश करके आप एक फाइन पार्टिकल में, या जैसा आपको पार्टिकल साइज चाहिए वैसा आप अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं साइज रिडक्शन। रिडक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि साइज रिडक्शन, किसी बड़े साइज को छोटे साइज में कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं साइज रिडक्शन। तो जाहिर सी बात है अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर बात करें तो क्या होता है, जो एपीआई है, एक्सीपिएंट है, जब उनको आपस में मिक्स किया जाता है तो पार्टिकल साइज मैटर करता है। हमको जैसे डिजायरेबल साइज़ के पार्टिकल चाहिए, जैसे हमें अगर फाइन पार्टिकल चाहिए तो भी, अगर कोर्स पार्टिकल चाहिए तो भी, तो जैसा हमें डिजायरेबल पार्टिकल साइज़ चाहिए होता है उसके हिसाब से हम बड़े बड़े पार्टिकल्स को बाय यूजिंग वेरियस इक्विपमेंट उसको तोड़ के अपने डिजायरेबल पार्टिकल साइज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं साइज़ रिडक्शन, ठीक है ना। और अगर यही साइज रिडक्शन, यानी कि अगर पार्टिकल को तोड़ा जाए बाय यूजिंग मैकेनिकल मीन्स, यानी मैकेनिकल मीन्स यानी यूजिंग कोई मशीन, अगर आप किसी मशीन को यूज़ करके अगर आप किसी बड़े सॉलिड को अगर तोड़ के फाइन पार्टिकल में या कोर्स पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको कहते हैं मिलिंग करना। मिल यानी आपने सुना होगा, जैसे आटा, आटा है एक फाइन पाउडर, आटा या मैदा एक फाइन पाउडर है, लेकिन आटा अपने आप तो नहीं बन गया ना, या फाइन पाउडर अपने आप तो नहीं बन गया ना, पहले गेहूं था, वीट था, उसको आपने मिल में लेके गए, फ्लोर मिल जिसे कहते हैं, आटा, आटे की चक्की। तो उसने क्या किया, गेहूं को, गेहूं भी एक पार्टिकल है लेकिन गेहूं क्या है, बड़े पार्टिकल है, उसको तोड़ तोड़ के एक फाइन पार्टिकल यानी मैदा या आटा उसमें कन्वर्ट किया। और जो मिल थी, जो आटे की चक्की थी, मिल थी, फ्लोर मिल, वो क्या है, एक मैकेनिकल मीन है, ठीक है ना। सो इसी सेम प्रोसेस में अगर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं अगर आप उसको मशीन में डालें और उनको वो टूट के अगर छोटे पार्टिकल में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसको आप कहते हैं मिलिंग करना, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैकेनिज्म क्या होती है साइज रिडक्शन की। चार मैकेनिज्म होती हैं साइज रिडक्शन की। आप साइज रिडक्शन किसी भी चार तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है कटिंग, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है इम्पैक्ट और फोर्थ होता है एट्रिशन। कटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि कटिंग में क्या होता होगा। साइज रिडक्शन में आप ब्लेड को या नंबर ऑफ ब्लेड या नाइफ को यूज करके आप किसी सॉलिड पार्टिकल को कट करके छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं या किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो देखिए डेफिनेशन के हिसाब से देख लीजिए। हेयर द मटेरियल इज कट बाय मींस ऑफ ए शार्प ब्लेड और ब्लेड्स। नाम समझ में आ गया। यानी इसमें क्या होता है कि आप ब्लेड्स का सहारा लेके आप किसी भी मटेरियल को कट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कटिंग। और इसका एग्जांपल अगर दिया जाए कौन कौन सी मशीन जो यूज़ की जाती है कटिंग करने के लिए, एग्जांपल है कटर मिल। तो कटर मिल नाम से समझ में आ रहा है कि ये भी एक मिल है, ठीक है। और इसमें ब्लेड लगे हुए हैं। जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट को आप उसके अंदर डालते हैं तो ब्लेड काट काट के उस चीज़ को छोटी चीज में कन्वर्ट कर देते हैं या छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा है कंप्रेशन। ये दूसरी मैकेनिज्म है आपकी कंप्रेशन। तो कंप्रेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें प्रेशर लग रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, दबाव दबा के छोटा किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इन दिस मेथड द मटेरियल इज क्रश्ड बिटवीन रोलर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन के अंदर इसमें रोलर होते हैं। रोलर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो दो रोलर के बीच में अगर आप किसी बड़े से सॉलिड सब्जेक्ट को, किसी सॉलिड चीज़ को जिसको आपको क्रश करना है, तोड़ना है, अगर आप उसमें डालते हैं तो क्या होता है, दोनों रोलर के बीच में एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, रोटेट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो उससे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर की वजह से वो जो सॉलिड जिसको आपने डाला है उन दो टायर्स या उन दो रोलर के बीच में, तो क्या होता है, वो मटेरियल क्रश होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। और इसको हम कहते हैं कंप्रेशन मिल या कंप्रेशन। एग्जाम्पल है इसका रोलर मिल, रोलर। तो रोलर नाम से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या होंगे, दो रोलर्स होंगे, ओके। तीसरा है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑकर्स व्हेन द मटेरियल इज मोर और लेस स्टेशनरी एंड इज हिट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड और व्हेन द मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक ए स्टेशनरी सरफेस। इन आइदर केस द मटेरियल शटर्स टू स्मॉलर पीस। तो कुल मिला के इम्पैक्ट में क्या होता है, इम्पैक्ट का मतलब है कि जैसे कोई एक फिक्स, देखिए एक दीवार है, एक दीवार के ऊपर अगर आपने किसी बड़ी सी चीज़ को फेंक के मारा, प्रेशर एक फोर्स के साथ मारा, तो क्या होगा, वो टूटेगी। जैसे चौक है मेरे हाथों में, मेरे हाथों में अगर चौक है, अगर मुझे उस चौक को, बड़ी चौक को तोड़ना है और छोटी चौक में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक स्टेशनरी वॉल, अब जैसे हमारी दीवार है, अगर उस पर मैं फेंक के मारूंगा तो क्या होगा, वो बड़ी सी चौक टूट के छोटी चौक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस फोर्स को, इस प्रोसेस को, जिसमें एक सरफेस तो स्टेशनरी होती है और जिस सब्जेक्ट को, जिस चीज़ को आपको तोड़ना है उसको आप फेंक के मारते हैं, फोर्सफुली फेंकते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, उससे आपका एक चीज़, क्या कहते हैं, बड़ी सी चीज़ टूट के छोटी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपका हैमर मिल। हैमर मतलब क्या, हथौड़ा। तो हथौड़े को, जैसे आपको किसी बड़ी सी एक सॉलिड है, एक क्रिस्टल है, ठीक है, सॉलिड है, उसको आपको तोड़ के छोटे छोटे क्रिस्टल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप, उस क्रिस्टल को आप एक स्टेशनरी सरफेस पे, चाहे टेबल हो चाहे आपकी फ्लोर हो, उस पर रख देंगे। ऊपर से आप हथौड़ा, हथौड़ा क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स आप मारेंगे, नीचे की जो सरफेस है वो रुकी हुई है, ऊपर आप हैमर मार रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो क्रिस्टल है, वो टूट के आपके डिजायरेबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस फोर्स को कहते हैं हम इम्पैक्ट, ठीक है, जिसमें एक सरफेस तो स्टेशनरी है और ऊपर से आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और चौथा होता है एट्रिशन। इन एट्रिशन द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर
as in compression, but the surfaces are moving relative to each other, resulting in shear forces which break the particles. अब ये जो एट्रीशन है, एट्रीशन में क्या हो रहा है, जैसे ये भी इसकी जो मैकेनिज्म है वो भी बिल्कुल इम्पैक्ट की तरीके से ही होती है, लेकिन जो एक डिफरेंस आता है वो क्या है, इसमें दोनों सरफेस मूविंग होती हैं. जैसे इम्पैक्ट में क्या था कि एक सरफेस तो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, और दूसरी चीज़ मूव है. मूव से मतलब जैसे हथौड़ा. इसमें क्या हो रहा है, जो नीचे की जो सरफेस है और ऊपर की सरफेस है, जो दोनों की दोनों के दोनों जो सरफेस हैं आपकी वो मूविंग पार्ट्स में होती है, मतलब दोनों चल रहे होते हैं. तो आप जिस चीज़ को आपको फेंकना है, तोड़ना है, वो ऑलरेडी मूव में है, और जिस चीज़ पे वो टकराएगा जाके वो भी मूव कर रही है, वो भी चल रही है. तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं हम एट्रिशन. और इसके अंदर जो मिल यूज़ की जाती है उसको कहते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल. तो अभी तक हम लोगों ने चार तरीके की मिल का जिक्र किया. सबसे पहले है कटर मिल, दूसरा है आपका रोलर मिल, तीसरा है आपका हैमर मिल, और चौथा है आपका फ्लूइड एनर्जी मिल. तो ये अभी तक जितनी भी मैंने नोट्स भेजी थी इसमें मेन यही सारी बातें हम लोगों को डिस्कस करनी थी जो मैंने अभी आपको बता दिया. एक थोड़ा सा लेआउट बताया कि आखिर में इस यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और आपको किस किस चीज़ से अब आपको पढ़ना है और आपको इसके रिगार्डिंग क्या बात करनी है, ये आपको आप समझ में आने लग गया होगा. अब फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ साइज रिडक्शन, ये ऑलरेडी आपको पता है कि कोई भी चीज़ जिसको आपको डिजायरेबल पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो बाय मींस ऑफ साइज रिडक्शन ही हो सकता है. फिर ऑइंटमेंट बनाने में, सस्पेंशन बनाने में, पेस्ट बनाने में, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक्स वगैरह सब कुछ बनाने में आप साइज रिडक्शन, ये जो मैकेनिज्म जो प्रोसेस है उसी का सहारा लेते हैं. अगर साइज रिडक्शन ना हो तो हम जो भी डोजेस फॉर्म हमें बनानी है वो ढंग से हम नहीं बना सकते. फिर हम लोगों ने ये भी जाना कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं. तो उसमें सबसे पहले हमने देखा हार्डनेस. कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी क्या होगी वो, ठीक है ना. देखो पहले हार्डनेस के बारे में जिक्र किया कि हार्डनेस इज ए सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑल्दो इट इज़ फ्रिक्वेंटली कन्फ्यूज विद ए प्रॉपर्टी दैट कुड बी बेटर डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रेंथ, ठीक है ना. तो इन जनरल द हार्डर मटेरियल द मोर डिफिकल्ट टू रिड्यूस द साइज. लास्ट की लाइन देखिए आप, द हार्डर इज द मटेरियल द मोर डिफिकल्ट इज टू रिड्यूस द साइज. नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ अगर कितनी ज़्यादा हार्ड होगी उसको तोड़ पाना, उसका साइज को छोटा करना उतना ही मुश्किल होगा. तो हार्डनेस ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो साइज रिडक्शन को प्रभावित करता है. दूसरा टफनेस, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा टफ होगी उतना ही उसका साइज रिडक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा. जैसे इस स्लाइड में देखिए एक रेड लाइन जो दिख रही है वो क्या है कि जैसे रबर है, अब रबर है उसकी टफनेस ज़्यादा होती है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. तो आप उस पर कितना भी हथौड़ा मारें रबर कभी टूटेगी तो नहीं ना. रबर को अगर आपको कट करना है, अगर कट किया जाए यानी कटर मिल के थ्रू, आप उसके साइज़ को तो रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हैमर मिल से आप उसके साइज़ को रिड्यूस नहीं कर सकते. यानी कंप्रेशन काम नहीं करेगा, केवल कटिंग काम करेगी. तो टफनेस भी रोल प्ले करता है, ठीक है ना. इसके अलावा एब्रेसिवनेस, स्टिकीनेस, चिपचिपापन, ये सारे के सारे कुछ फैक्टर्स हैं. सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, मटेरियल स्ट्रक्चर, मॉइस्चर कंटेंट, तो ये सारे के सारे जितने भी हैं. इसके अलावा ये देखिए प्योरिटी रिक्वायर्ड, रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोड्यूस रेशियो, बल्क डेंसिटी, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये सारे के सारे जितने भी फैक्टर हैं, ये सारे के सारे फैक्टर की वजह से ही साइज रिडक्शन प्रभावित होता है. और कुछ चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं कि जैसे होंगी उसका उतना फ़ायदा होगा, कुछ चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हार्डनेस, टफनेस, स्टिकीनेस, जो जितनी ज़्यादा होगी साइज रिडक्शन उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है ना. तो अभी तक जो हम लोगों ने स्लाइड भेजी है, मैंने आपको जो नोट्स के फॉर्म में पीडीएफ के फॉर्म में भेजी हैं, तो वो तकरीबन यही सब बातों को डिस्क्राइब कर रही थी, ठीक है ना. अब ये आपके सिलेबस में नहीं है किक्स लॉ, ये सब बी फॉर्म के लेवल्स की बात है. सो मैं आपको ये स्लाइड्स आगे बढ़ा रहा हूँ. अब जरा इस स्लाइड को देखिए जो आपके सिलेबस में भी आएंगी और कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं. जैसे नेम ऑफ द मिल, यानी कि अब कौन कौन सी मिल हैं, कौन कौन सी मशीन्स हैं जो किसी भी सॉलिड को तोड़ने के लिए और जैसा हमें पार्टिकल चाहिए वैसा बना के दे दे, उसमें यूज़ की जाती हैं.
तो सबसे पहला है हमारा हैमर मिल। हैमर मिल का जो मैकेनिज्म होता है, इम्पैक्ट, नाम से ही समझ में आ गया था, मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स। और ये हैमर मिल लगभग सारे ड्रग्स को बनाने में, सारे ड्रग्स को तोड़ के एक डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सॉरी। दूसरा है रोलर मिल। रोलर मिल किसमें, जिसके अंदर एट्रिशन और कंप्रेशन दोनों मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं, और ये यूज किए जाते हैं खासकर जो मटेरियल सॉफ्ट होते हैं उसमें रोलर मिल यूज की जाती है। तीसरा है आपका कोलाइड मिल। कोलाइड मिल में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है वो होती है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों। और ये किस तरीके के ड्रग्स के लिए यूज़ की जाती है कोलाइड मिल, यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स, ब्रिटल ड्रग्स जो चटकदार होते हैं, जैसे क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन कोई भी चीज़ अगर होगी तो उसमें, और वैसे तो आमतौर पर सारे ही ड्रग्स में कोलाइडल मिल आपकी यूज़ की जाती है। चौथा है आपका बॉल मिल। बॉल मिल में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। फिर लास्ट है आपका फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है वो होती है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। और ये यूज़ किस ड्रग्स में किए जाते हैं, मॉडरेटली हार्ड एंड फ्राइबल मटेरियल, उस तरीके के मटेरियल में जो एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड तो ना हो बट एक मॉडरेटली बीच के होते हैं, ठीक है ना, और फ्राइबल थोड़े से लचकदार तरीके के हों, उस तरीके के मटेरियल्स में आपके फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ की जाती है। अब मील्स के कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं, जो ये मील होती है, चक्की जो होती है या तोड़ने की जो मशीन्स होती हैं, उसके कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। जो बेसिक पार्ट हैं वो तीन हैं। सबसे पहला है फीड क्यूट या हॉपर, मैंने आपको पहले भी बता रखा है हॉपर क्या होता है, जहाँ से आप किसी भी मटेरियल को डालते हैं, हॉपर, ठीक है, विच डिलीवर्स द मटेरियल, तो ये पहला पार्ट होता है। दूसरा है ग्राइंडिंग मैकेनिज्म, यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ ए रोटर एंड स्टेटर। इसके अलावा जो दूसरी जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रोटर, वो जो रोटेट करता है, जो टायर्स होंगे, ठीक है ना, जो रोलर्स होंगे, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, जो आपका फीड से कोई सामान गया, हॉपर से कोई सामान गया और वो रोलर के बीच में जाकर टकराया, या स्टेटर अगर कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है उस पर जाकर टकराया और ग्राइंडिंग, पिसना शुरू हुआ। और तीसरा जो बेसिक पार्ट होता है मिल का वो होता है डिस्चार्जिंग क्यूट और सीव्स, यानी नीचे छन्नी लगी होती हैं, तो जो पिस के सामान आता है वो नीचे छन्नी में छन के आपके अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग साइज में कन्वर्ट कर देता है। ये थे बेसिक पार्ट्स आपके मिल के, ठीक है ना। और अब जो ये वाला लेक्चर मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, पहला था ये जो अभी प्रीवियस अभी तक का जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, अभी नेक्स्ट जो लेक्चर अभी चलेगा आपका, जो मैं अपलोड करूँगा, उसमें मैं अलग अलग टाइप्स के मिल जो आपके सिलेबस में है, केवल आपके सिलेबस में है, उनका जिक्र करूँगा। थैंक यू।